दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तिसादियात तारीख कौमी उमंगुन ए इखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती सा प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन ए हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सद दियूं था अचो त गजी सूफिन ए संतन वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापस आने वाले सफर जा साथारी बन जाऊं एक नए सुबह जी शुरुआत जो पढ़ा दो घर घर गोठ गोठ ऐं शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए सिंधी मानू सुख्यो ऐं सतावो थिए सामिन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां आवां जो मेज़बान जाफर मेमण गुज़िरियल ॾींहुं प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन हैदराबाद जे तरफ़ां सिंध जे तरक़ी पसंद अॻवाण अवामी ऐं रुमानवी शाइर साईं अब्दुल करीम गदाईअ जी वर्सी तक़रीब थी आहे हिन मौक़े ते गदाई साहिब जी हारियुनि ऐं पुरियतुनि जे हवाले सां कयल जिदोजहद जाखोड़ ऐं शाइरी बाबत खे सुर्ख सलाम पेश कयो वियो ज़ाहिदा अबड़ो हिन प्रोग्राम जी आज्ञा कई आहे जॾहिं त मंज़ूर सहीम जेको प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो अॻुवाण आहे उन आयल महिमाननि जा थोरा मञा आहिनि ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ शुबनि सां तालुक़ु रखंदड़ जेके अॻुवाण ऐं कारकुन हिन गॾिजाणी में शरीक थिया हिन वर्सी तक़रीब में शरीक थिया उन्हनि मां जिन ॻाल्हायो आहे उन्हनि में फ़हीम नूनारी बख्शल थलो सलमान उनर प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग लाल बख्श जसकाणी हिननि मुख़्तलिफ़ ज़िंदगीअ जे मौज़ूअनि ते ॻाल्हायो आहे ख़ासि करे हारियुनि ऐं पोरियतनि जे हवाले सां ऐं अब्दुल करीम गदाई साहिब जी शाइरीअ जे हवाले सां मुख़्तसर ऐं जाम ख़्यालनि जो इज़हार कयो आहे हीउ प्रोग्राम अचो त अव्हांजे समातनि ताईं रखूं आयल सभिनी महिमाननि खे दिलि जी गहराइनि सां ख़ुशि आमदेद चइजे थो अॼु जो असांजो हीउ प्रोग्राम असांजे साईं शाइर साईं अब्दुल करीम गदाई जी यादगिरी जे हिसाब सां असां सभई साथी गॾु थिया आहियूं ऐं साईं खे अॼु असां पंहिंजे कम जे हिसाब सां ट्राइब्यूट पेश कंदासीं हीअ राति बि गुज़रण ते आहे बाक़ी बि गुज़ारे वेंदासीं पर वेंदे वेंदे सिंधड़ी तुंहिंजी सींद संवारे वेंदासीं साईं अब्दुल करीम गदाई जो इहो हिकिड़ो ख़्वाबु हुयो जंहिं ख़्वाब जे ताबीर लाइ साईं ॾींहुं राति पंहिंजे तख़य्युल मां शाइरी जे ज़रिए अवाम में शऊर ऐं तब्दीली आणण जी कोशिशि कई रमता जोगी राम कली में रावल साईं तुंहिंजा आहियूं मुरलियूं सुरलियूं बाजा बीनू सांवल साईं तुंहिंजा आहियूं लम्हा लम्हा लहज़ा लहज़ा साहत छा वेसाब आहीं सारो जीवन तनमन तनमन पल पल साईं तुंहिंजा आहियूं रावल साईं तुंहिंजा आहियूं मुरसल साईं तुंहिंजा आहियूं सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे आयल महिमाननि खे भलीकार करण लाइ मां मोहतरमा अदी ज़ाहिदा अबड़ो जेका पाण वाइस प्रेसिडेंट आहिनि प्रोग्रेसिव वर्क एसोसिएशन जा खेसि गुज़ारिश थो कयां त अचनि ऐं आयल महिमाननि खे भलीकार कनि हिते पंहिंजो इंट्रोडक्शन कराईंदी हलां मुंहिंजो नालो ज़ाहिदा अबड़ो अदा अॻु में ॿुधाए छॾियो त आउं वाइस प्रेसिडेंट आहियां प्रोग्रेसिव राइटर्स हैदराबाद चैप्टर जी अॼु आउं सभिनी हिते महिमाननि खे भलीकार थी चवां असांजो मक़सदु हिते गॾु थियण जो आहे त असां पंहिंजनि उन्हनि हीरोज़ खे
ट्रिब्यूट पेश क्यों जो असा का विसरी वन या उनके मथा उन नाल के मथा शायद तारीख के वर्कन में जो सो किथे न किथे तह मिट्टी जहा जमी आन तो असा उन वरी याद कर उन कमन के जो सो जांचण की कोशिश क्यों अज अस मकसद जो है सो अब्दुल करीम गदाई जो एक समझा थी तो हारी मूवमेंट जो तमाम वो जो सो हीरो रो है उनके अलावा गरीबन के हकन के लिए उनी शायरी जो कम जो सो उन गरीबन के लिए तमाम घो कम लिखो है तो अज अस उन कम के ऐसा था मुख्तलिफ़ जो अस स्पीकर से वेठा उन मुख्तलिफ़ शख्सियत के पहलुन से ाल्हा उनके अलावा असं इन सिलसिले के जारी रखासी तो अगर बे कें हीरो के मथा ालासी अस प्रोग्राम के शुरू था क्यों मेहरबानी अदी अस हाँ मां गुजारिश कस मोहतरम साई फहीम नूनारी साहब जिनके साई जो है तरक्की पसंद राइटर्स फोरम जो अहदेदार है साई तालीम ए तदरीस ए करिकुलम से वाबस्त है साई जो कुछ अज जो उनवान है टॉपिक है वो है त गदाई बतौर कौमी अवामी ए इनकलाबी शायर अमन ए इनकलाब जो शायर तो मैं गुजारिश कर साई फहीम नूनारी साहब जिनके तो अचन ए मकालो पढ़न मोहतरम साई अब्दुल करीम गदाई के मौजू से साई मुझो मकालो मुख्तर है चार या पंज मिंट अवजा वम ध्यान से बुधंदा तीन वही मेहरबानी थी सो गदाई बुनियादी तौर पर एक गरीब घराने सा ताल्लुक रखंदड़ो उनसा गडो गी जिंदगी में उनको समाजी इल्मी अदबी हारी तहरीक से वास्तो रो मुख्तर पसमंदर बुधा तो और वर्क ही पढ़ूँ था ताल्लुक रो मुझे घोट जो हो इतफाक से कांग्रेस जो जो अगवान हो मोहम्मद अमीन खोसो वो असाजे घोट जो हो उन अढ़ाई किलोमीटर से इनको घोट हों करीमाबाद उते इनको जन्म थो आठो जैसे बालक छड़े में 74 में मैट्रिक कई इनकी 78 में डे था तो वो एक शाहकार किस्म जो इंसान हो पो दर्द दिल रखे अस उन दौर जहाँ इंसान बुधा से मोहम्मद अमीन खोसो हो जी हैदरबख्श चतोई हो ये हलंदा हा तो महसूस वाकई अवामी इंसान हैं गण गोत वारा बेन की मदद करा सो गदाई पी उन अमली जिंदगी उनको अक्स उन शायरी में असें तबकती कौमी ए इनकलाबी नजर अचे ए गदारी के समझण ला बुनियादी तरह तब राइटर हो तो मू के समझण ला अंग्रेजी में चवन मैन नोन विथ हिज कंपनी पाँगी कंपनी में इर्द गिर्द के माहौल में सुझा तो वह तो कें भी फर्द के समझण ला उन दौर की तहरीकों के ऐसण पवन उन दौर के इर्द गिर्द रहंदड़ फर्दन के ऐसण पवन है जाग्राफी वहदतू ऐसण पवन समाजी ए इल्मी वाकुरा जो वाहौड़न वो भी ऐसा पवन गदाई जैसे मैं चो मन 60-70 वाले डहाके में हो तो तनवीर अब्बासी भी औज से हो फैज़ अहमद फैज़ भी औज से हो शेख अयाज जो भी औज हो उस्ताद बुखारी जो भी औज हो ए सिंध जहा बया फ्राज हो या उन दौर में वो तहरीकू 52 में मकसद आसंदा हो तहरीकन जो असर हो उन दौर जहाँ इनकलाब जो उथलू पुथलू इन सजी रीजन जो उनको भी गदाई की शायरी में अक्स नजर अचे तो 10 अक्टूबर 1917 में इनकलाब अची चुको हो लेनिन की अगुवाणी में मार्स की नजरिए की रोशनी में 1949 में चाइना में माओवादी तंग इनकलाब सकाफती आंदो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक हुई उनमें तरक्की पसंद अदीबन जो शायरन जो हिस्सो हो उनका अक्स भी गदाई की शायरी में नजर अचे वो 70 वाले ड़ाके में सिंध में वनू नट जो तोप बिजी में वो तो वो भी अक्स नजर अचे तो गदाई की शायरी तो गदाई से ये जी असर आ शुरुआती जिंदगी में माना हू मजहबी शायर तो नजर अचे पान भी लिखे तो पर पोएं दौर में 67-68 का उनकी मुलाकात जैसे चंगन मानू से थे थी यानी तरक्की पसंद आ उन दौर जहा
शेख अयाज मन असांजे भाकुर में हो शिकारपुर रहे सखर ठुल जे जौसाल भुगटी ऐं तोहमत कोन थो हणां इल्मी अदबी माण्हुनि ते पर घटि ॼाण आहे जौसाल भुगटी वॾो शाइरु आहे तरक़ी पसंद बलोचन जो जंहिं उथलाए पुथलाए छॾियो बलोचिस्तान ऐं जौसाल भुगटी सां मां मिलियुमि सो बलोची स्पीकर हो बलोची वॾो शाइरु आहे ऐं उन सां हुनजी दोस्ती हूंदी तालुक हूंदो ऐं ॿई ज़माननि जे बारे में सोचींदा ऐं पोइ चयईं त मां अठहठि खां सतरि वारे ॾहाके में फौरी तरह तरक़ी पसंद में पेर पातो ऐं हैदराबाद जतोई जहिड़े माण्हू सां हुनजो तालुक़ु हूंदो हो मोहम्मद अमीन खुश जहिड़े माण्हू सां तालुक़ु हूंदो सो उन फ़िक्र फ़लसफ़े खे आउं थोरो जेको सम्झो आहे नंढड़ी झलक हिकिड़ी तव्हांखे पेश कयां थो ऐं अव्हांजा के रिफ्लेक्शन हुजनि या क्वेश्चन हुजनि त उनजा मां जवाबु ॾींदुमि गदाई मुंहिंजे हिन पेपर जो नालो आहे गदाई अमुन ऐं इनकलाब जो शाइर इंसान ज़ात जी बहितरी ऐं समाज खे सही वाट ते आणण लाइ दुनिया जे जग मशहूर अदीबनि शाइरनि फिलासफरनि सियासी ऐं समाजी साइंसदाननि जाखोड़ियो आहे आम माण्हुनि जी भेट में उन्हनि वटि वधीक हसीन ऐं रंगीन ख़्वाब इंसान ज़ात जी तकदीर बदिलाइण लाइ वटन आहिनि जेके ख़्वाब ख़्याल ऐं नज़रिया फिलासफरनि अदीबनि समाजी साइंसदाननि पंहिंजे नज़रियनि ख़्यालनि कहाणियुनि ऐं शाइरीअ में शानदार नमूने पेश कया आहिनि जहिड़े रीति जग मशहूरु सियासी ऐं समाजी फिलासफर मार्क्स पंहिंजो फ़लसफ़ो सोशलिज़म ऐं कम्युनिज़म नज़रिए वसीले इंसान ज़ात खे ॾिनो जंहिं नज़रिए में मार्क्स इंसान ज़ात जी फलाह व बहबूद ऐं आज़ादी साइंसी अंदाज़ में बयानु कई आहे अहिड़ी तरह शाइरी जी दुनिया में नामवर शाइरनि विलियम वर्ड्सवर्थ गोइटे कालिदास जॉन मिल्टन हाफिज़ रूमी टैगोर फैज़ अहमद फैज़ उस्ताद बुखारी शेख अयाज तनवीर अब्बासी ऐं ॿियनि पंहिंजा नज़रिया ऐं ख़्याल शाइरी वसीले पधरा कया आहिनि गदाई बि हिकु अहिड़ो जगानो इनकलाबी शाइरु आहे जंहिंजी शाइरी विज जीअं आवाम दुश्मन क़ुवतुनि मथां कड़की आहे पोरेत पांवारनि वतन दोस्त धुरनि खे हू सुजाग करे थो चए थो वरी मुंद आई ख़बरदार हारी खणी ॼार निकिता पुराणा शिकारी संदे वोट जा ई बुखिया भिखारी कंदा तुंहिंजे कुचलण जी पूरी तयारी अथई वक़्तु हाणे जे होशियारु थींदे ऐं ख़तरे खां साथी ख़बरदार थींदे जे ख़ुदि वोट जो मुख़्तियार थींदे जग मशहूरु ॾाहे एलिन बादो चयो आहे त सचा ख़्याल लाफ़ानी थियनि था उन्हनि खे तबाह करे ई नथो सघिजे उहे वरी वरी मोट खाइनि था जॾहिं उन्हनि जे मौत जो ऐलान कयो वञे थो उहे वरी वरी मोट खाइनि था काइनात जो वॾो सच इहो आहे त हरकत ऐं तारुफ़ ज़िंदगी जे सभिनी मामलनि ऐं मसइलनि सां लाॻू आहे शाइर पंहिंजी शाइरी अंदरि जेके ख़्याल ख़्वाब ऐं तसवर बयानु कनि था से सभई ख़्याल इंसानी जज़्बनि उदमनि जो हक़ीक़ी तसवुरु आहिनि अब्दुल करीम गदाई ग़ुलामदाराणे समाजी कुख मां जनम वठंदड़ जागीरदाराणे दौर जे उरूज वारे दौर में पहिरीं जनवरी 1901 ठुल तालुका ज़िला जेकाबाद जे नंढड़े ॻोठु करीमाबाद में जनम वरितो जेकाबाद ज़िलो दुनिया जे गरम तरीन ख़ितनि मां हिकु आहे जिते फितरत तरफ़ां गर्मी जे मच साण वॾेरनि जा ज़ुल्म बि अरूज ते आहिनि इहो ई सबबु हो जो गदाई पंहिंजे शाइरी वसीले वॾेरनि जे ज़ुल्म ऐं ज़्यादती ख़िलाफ़ु आवाज़ु बुलंद कयो चए थो निमक हू सुबुह शाम हारीअ जो खाए बदन ते हू कपिड़ा बि कुड़मी जा पाए मगर खेसि शब व रोज़ बेघर वहाए वरी खेसि 110 में बि अड़ाए सॼे साल जी कन मशक़त कमायूं पलए कीन कन जे पवन चार पायूं अचनि तन ते कमदार पादर पुसायूं नुकमनि जा कुता बि खाइनि मलायूं टुकर भोर कोन्हे त महिनत कश खे पुछी हम वतन थो छा मुंहिंजे वतन खे भुखूं काटे ज़बाने खे इहो रोज़ी रसाइनि था मगर मज़दूर हारे खे न आहे को करार आयो गदाई तबक़ाती ज़ुल्म जा बखिया उडड़िया आहिनि हू निमक हराम तबिके जे ज़ुल्म खे निर्वार करे थो इहो हू इहो ॿुधाए थो तारीख़ सिर्फ़ु जबर ऐं ज़ुल्म जो दास्तान कोन्हे तारीख़ वेड़ ऐं मुज़ाहिमत जो नाओ बि आहे तारीख़ में मुज़ाहिमतूं ऐं तहरीकूं वक़्ती तौरु सुस्त ऐं ढरियूं थियनि थियूं लेकिन मुज़ाहिमत जो झंडो तारीख़ जे वाचूड़नि खे तिखो ऐं तेज़ कंदड़ शाइरनि अदीबनि इनकलाबनि जे हथां हमेशह बुलंद रहियो आहे रूमी सुल्तनत ख़िलाफ़ु ग़ुलामनि जे बग़ावत जे सरवाण स्पार्टेक्स खां वठी अॼु ताईं इनकलाबनि जे ख़्वाबनि जो झंडो घणनि अज़ीम शाइरनि जीअं अब्दुल करीम गदाई ऐं अदब जे मोर्चे ते हुन ऊचो रखियो आहे गदाई मादर वतन सां इश्क हीअं बयानु करे थो हिन धरती ख़ातिर मरंदासीं
हिन धरती खातिर जीअंदासूं, सुकरात जीअं जे ज़हर मिलियो त बि खिलंदे खिलंदे पीअंदासीं। गदाई वतन दुश्मन खे वरी ललकारे ललकारींदे चए थो तूं कंहिं कंहिंखे ख़ामोश कंदे, हीउ सॼो त आप मुल्क मंसूर सॼो, दोदा दरिया ख़ान उथे पिया, होशू हैदर ख़ान उथे पिया, सिंधुअ जा सरवाण उथे पिया, खेतनि मां तूफ़ान उथे पिया, हाणे पंहिंजो पाण संभाल। जीए सिंध जीजल जो आहे कसम, त जेसी आहे सीनो ऐं सीने में दम, थिए देस ख़ातिर जे सिर बि कलम, चइबो रहबो जीए सिंध, चइबो रहबो जीए सिंध। साथ हलंदो रहे, लाट ॿरंदी रहे। सिंध सदन खां क़ाइमु आहे, जेका सदा सरसब खुशहाल ऐं अज़ीम सभ्यता जो ओजाण रही आहे। मोहनजोदड़ो जो तारीख़ी तहज़ीब बि उन जो मिसाल आहे। सिंधु जी तारीख़ में तहज़ीब ऐं ॿोली ख़िलाफ़ वन यूनिट दौर में जॾहिं कारा ककर छाइजी विया, त सिंधु जो अवाम शाइर, अदीब, कुड़मी ऐं कासबी सरापा एहजाज बणिजी वियो। असांजो अवामी ऐं इनकलाबी शाइर अब्दुल करीम गदाई पंहिंजी शाइरी में सरापा विज ऐं खिवण बणिजी दुश्मन मथां कड़की पियो। चए थो, छाल ॾेई अॼु छोरा जाॻिया, पोट कंदासीं भोरा भोरा, सूर्य सिर खां धार अञा बि साॻिया ॾे। केरु आहे जो कूपन जो रस्तो झले, केरु आहे जो कूपन जो रस्तो झले, न ॿोली न बंदूक जन खे पले, काफ़िलो कर खयूं शान सां पियो हले। यूनिट में कीन रहंदी, आज़ाद सिंधु थींदी, साणी में गदाई साॻी बहार रहंदी। सिंध में सुमरा ऐं कलोड़ा दौर खां पोइ सिंध जेको यकजहती ऐं ॿधीअ जो इज़हार वन यूनिट जे कहरी कोट खे किराइण दौरान कयो, गदाई पंहिंजी ख़ुशी हेठनि सेटनि में बयानु करे थो। जॾहिं वन यूनिट टुटो, विड़ी तेज़ तूफ़ाननि ऐं मौजनि सां हमदम, वञी नेठि ॿेड़ो किनारे छॾियोसीं। गदाई जिते मुज़ाहिमत जो ॾसिजे थो, उते अमुन इंसाफ़ जी तस्वीर चिटे थो। जग मशहूरु रूसी नावेल नगार टालस्टॉय पंहिंजे नावेल जंग ऐं अमुन में जीअं अणसिधी तौरु नियापो ॾिए थो, त अमुन लाइ जंग अणटर आहे। सो असांजो शाइर उन दौर 1970 वारे ॾहाके खां अॻु वारी तस्वीर ॾेखारे थो, त सिंध उन दौर में कीअं पुरमोन हुई। न कंहिं मस्जिद ऐं मंदर ते हली तलवार हुई, मगर हर क़ौम पंहिंजे धर्म ऐं मज़हब ते राज़ी हुई। असांजो पाण में मिठाज हो, उल्फत ऐं एको हो, न हिते बाजे ते झगड़ो हो, न को शुद्धी जो लेखो हो। मज़हब पंहिंजो प्यार हो गदाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जोड़ सभई हिक मालिक जी, सभ में साॻियो यार, हितड़े सभई भाउर, हिंदू न कोई मोमिन, मसलक अव्हांजो आहे अमुन अमान जो ज़ामिन। समायो जॾहिं दर्द इंसान दिल में, ग़म इश्क जाना विसारे छॾियोसीं। दिल थी चए हिकु आग लॻायां, घट वध जो ई फ़र्क़ु मिटायां, सारो ई मानराण चलाए। गदाई मज़लूम तबिके जा जिते ॾुख सूर ऐं मामला बयानु कया आहिनि, साॻे वक़्तु हू पंहिंजे पोरेत पहार हारनि ऐं मज़दूरनि खे पंहिंजे हक़नि खां चङी रीति आगाह करे थो। ख़ासि तौरु वॾेरनि जे इलेक्शनी दोखे खां बाख़बर कयो आहे। चए थो, छह साल जेके वॾेरा सुता पिया हूंदा नांग वांगुरु सप वांगुरु, छहनि सालनि अंदरि कोई न हारीअ खां पुछणु आयो, हज़ारे अॼु हारीअ संदा हक़दार निकिरी पिया। वरी मुंद आई ख़बरदार, हारी खणी ॼार निकिता पुराणा शिकारी, संदे वोट जा ई बुखिया ऐं भिखारी, कंदा तोजे कुचलण जी पूरी तयारी, ख़बरदार हारी खणी ॼार निकिता पुराणा शिकारी। गदाई असांजो सूंहो ऐं रहबर आहे। हू पंहिंजी शाइरी अमल वसीले समाज खे तब्दील करण जे गसनि ऐं पेचरनि जो ॾसु ॾिए थो ऐं विख विख ते असांजी रहबरी ऐं रहनुमाई करे थो। सफ़र ज़िंदगी जो चए थो गदाई, सफ़र ज़िंदगी जो कठन हो गदाई, बहर तौरु गुज़रियो गुज़ारे छॾियोसीं। जीअं सिंध, महिरबानी। हाणे मां गुज़ारिश कंदुसि पंहिंजे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे, मोहतरम साईं बख़्शल थलो साहिबु, जिन खे साईं अवामी वर्कर्स पार्टी सिंध जा अॻवाण आहिनि, ऐं साईं जो जेको अॼु जो मौज़ू आहे अदब बराए ज़िंदगी ऐं गदाई, साईं खे गुज़ारिश कंदुसि त अचनि ऐं हिन मौज़ू ते पंहिंजो मकालो पेश कनि। साईं बख़्शल थलो साहिबु, अस्सलामु
तव्हांजी महिरबानी। बुरो हो बंबोर आरियाणी उजारियो, लाथी ते लोक तां हाड़े सिंधी होड़, छोरियूं छुरण सिखियूं पुनू कयाऊं पोर, आयो सो अतोर जंहिं ॾुखियूं ॾिख विहारियूं। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन हैदराबाद जे चैप्टर जे साथियुनि खे वाधायूं, जंहिं इहो कल्चर वरी रिवाइव कयो आहे, ऐं समूरनि तरक़ी पसंद साथियुनि खे जेके समाज जे मुख़्तलिफ़ फील्ड सां सलाड़ियल आहिनि उन्हनि खे किथे गॾु बि कयो आहे, ऐं पंहिंजी तारीख़ खे ऐं पंहिंजे वॾनि खे वरी ॻोल्हण ऐं उन्हनि मां सिखण, उन मां उत्साह वठण वारो सिलसिलो जेको नए सिर जीआरियो आहे दोस्तनि, उन्हनि ते उन्हनि खे वाधायूं। हिकिड़ी वज़ाहत, हिकिड़ो एतिराफ़ लाज़मी सम्झां थो, उहो इहो त सियासी वर्कर आहियां, ऐं जॾहिं दोस्तनि ज़िमेदारी ॾिनी कुझु ॻाल्हि रखण जी, त मूं उन्हनि खे चयो त मां साईं जीअं अॻु में मूंखां तव्हां अदीज़ादा बि वज़ाहत कई त को एॾो फैमिलियर मां पाण बि न आहियां रहियो, पंहिंजी खोटि सम्झां थो त पंहिंजी तारीख़ ऐं पंहिंजे वॾनि ऐं उन्हनि जे पोरे खां घणो वाक़िफ़ु न आहियूं। हा, अलबत्ता अंदाज़ो थिए पियो जॾहिं साईं नुनारी साहिबु हिते साईं गदाई साहिब खे पढ़ियो पए ऐं ॿुधायो पए त गदाई खां जेके माण्हू मुतासिरु हुआ ऐं उन्हनि जेको रिप्रोड्यूस कयो चंबड़ में, जेका हारी तरी कई ऐं उन्हनि हारियुनि सां जेका असांजो तंज़ीमी रिश्तो रहियो ऐं मज़ाहमती रिश्तो रहियो, त उते माण्हुनि खे ऐं हारियुनि खे जीअं बाकर सनाई ऐं नबी बख़्श हमदर्द बर्ज़बान यादि आहे, त इहा ॿोली इहो जेको लहिजो आहे, इहे जेके ख़्याल आहिनि, इहो जेको डिक्शन आहे, इहो जेको जुड़त आहे ख़्यालनि जी शायरी में, मूंखे त उहा ई महसूसु थी पए। वरी मुंद आई ख़बरदार हारी, त इहो इहा मूंखे अंदाज़ो थियो पए त इहो उन खां मुतासिरु रहिया हूंदा ऐं उन्हनि उन्हनि खे पढ़ियो बि हूंदो ऐं ख़ुदि उहे ख़ुदि गदाई बि जी पंहिंजी जेका सियासत आहे उहा बि ईअं इंस्पायर थींदे थींदे हारी तरीक़े ताईं उनजो मामिलो पहुतो। सो इहे कुझु मुंहिंजूं लिमिटेशन्स हुयूं ऐं उनजो एतिराफ़ बि मां सम्झां थो त ज़रूरी आहे। ऐं हीउ जेको मेड़ाको आहे इन में क़तई नज़र त मौज़ू कहिड़ो बि मिले थो, उन सां जुड़ियल ई सुवाल आहिनि सभु असांजा। दरअसल ख़्वाहिश हुई त बहस ते पार्टिसिपेंट दोस्तनि खे ॿुधिजे, पर ज़ोर जो हो त ॻाल्हि रखिजे त पोइ मां माना पंहिंजी हिकिड़ी बहस ते सियासी वर्कर जे दां करणु बि चाही पए, जेके राइटर साथी आहिनि ऐं अदब दोस्त आहिनि ऐं उन्हनि सां पंहिंजा ख़्याल बि वंडणु चाहियां पए ऐं पंहिंजो सूर बि ऐं पंहिंजी दाह बि, छाजे कारण जो जिन हालतुनि में असां सियासत करण ते मजबूर आहियूं, उहे उन्हनि हालतुनि में अदब ऐं सियासत ॿिन्ही जी हालति ख़राबु आहे ऐं ॿिन्ही जी जेका इर्तिका आहे उहा ॾाढी पंक्चर्ड आहे असांजी सोसाइटी जे अंदरि। ऐं अदब जे हवाले सां त जेकी उन दोस्त शोभे जा दोस्त आहिनि उहे असांखे अञा वधीक उनजी ॻोढ़ी नज़र हूंदी ऐं उहे सम्झाईंदा, पर तरक़ी पसंद सियासत जो हाल त इहो आहे त 90s खां पोइ त उहो उन माना उनखे कापारी जेके धक लॻा त उनजी सॼी जेका एवोल्यूशन आहे उहा ॾाढी पंक्चर्ड आहे, माना असांखे पंहिंजी माज़ी सां जुड़त करण में ॾाढी ॾुखियाई थी पई महसूसु थिए। ऐं हिकिड़ी अहिड़ी हालति में जंहिंमें सियासत जी हालति ख़राबु हुजे त सियासत सिर्फ़ु पाण मां उत्साह वठी कोन थी सघे, उनखे पूरो हिकिड़ो पॉलिटिकल कल्चर थो खपे पियो जंहिं मां उनखे उत्साह मिले, उनखे साह मिले। माज़ी में त असांजे वॾनि जो हिकिड़ो रवैयो रहियो आहे, रिडक्शनिस्ट हिकिड़ो रवैयो रहियो आहे, पंहिंजे शोभे खे वधाए चढ़ाए करे ऐं उनखे घणो अहम सम्झणु ऐं उनखां को इनकार कोन्हे त समाजी तब्दीली में जेतिरो किरदारु जेतिरी अहमियत सियासी शोभे खे आहे उहा माना ॿियनि शोभनि खे ईअं न सम्झी वई आहे माज़ी में, पर हक़ीक़त इहा आहे त ॿिया शोभा बि माना एतिरा ई इम्पोर्टेंट रहिया आहिनि जेतिरो बज़ाति ख़ुदि सियासत बि। बैदू जो दोस्त हवालो ॾिनो ऐं बैदू हिकिड़ो जेको थिंकर आहे हिन जदीद दौर जो, उहो चवे थो त सच जेको आहे उहो चार शोभा आहिनि जिन मंझि जुड़े थो ठहे थो ऐं उहे चार शोभा आहिनि फ़न, सियासत, साइंस
इश्क फलसफो सच पैदा को करे फलसफो इन समूरन शोबन में जो पैदा थियल सच है उन पान में रिश्तों तो गोले सो जी क्लासिकल इस्लामी तालीमुन में जो आसो कें अरबी के अजमी के का फोके तो को सो इन ही तारीफ़ की रोशनी में सियासत के भी सियासत के सच के भी अदब के सच से का फूके थी ये को न ही वरी अदब के सच के सियासत के सच से का फूके था पर ये जी समूरा सच है इन पान में जुड़त कड़ी है योड़ो सवाल है जो असाज लाइ भी अस तीन दोस्त भी तो रिश्तों की गोलजे कि इंस्पायर कह रह जी मैं वजाहत डी त पूरी खुशी की गाल बहसियत एजिटेटर या वर्कर मुझे लाइ फ़ख्र की गाल पूरी दुनिया जिन तब्दीलियों में गुजरी तो असो खितो भी जो को आसो को माना माना को इम्यून को उन तब्दीलियों का को कटो को पो हो पूरी दुनिया जहाँ जैसे वा वा नाला अस पढ़ा सियासी खेत्र में ही तो असि पानी तारीख में तमाम वा नाला मिलन था तमाम सघारा नाला मिलन था या बी गाल दौर असा सियासी अगवान रहा तरक्की पसंद तहरीक जहाँ वा या जो कल्चर रो वो घड़ो तड़ो पाँ इर्तिका के पाँ मिसाल घनी अहमियत न डी रो या उन अहमियत के समझण का कासिर हो घो तड़ो यूरोसेंट्रिक उनकी अप्रोच रही मां समझा तो या अज के दौर के मानून के जो आसो इो पासो दिसनी जरूरत है पाँची तारीख के वरी फुलनी जरूरत है जैमें अड़ा 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 किरदार पयान जेस तई अदब जो सवाल है मां समझा तो अदब दुनिया जो एहसासाती इजहार है जैकड़ साइंस फलसफो दुनिया जो अकली इजहार है या रैशनल एक्सप्रेशन है दुनिया जो तो ही एक एहसासाती इजहार है अदब जो कारज माँ के यो ही समझ में अचे तो हू असाज एहसास की तरबियत करे तो उन माना उन्होंने वढ़े कुटे उनके ठाए तो उनके अजा सुणो तो कर निखारे तो समझा तो असाजा समूरा एहसास पोटेंशियली इनकलाबी वो जैस तीन वो एक्चुलाइज थियन तो यो अदब जो कम आ तो सो ठाए संवार इनकलाबी बणाए ये जी आयाज भी पाँच कें किताब में नफरत के हवा से लिखो आ समझाया तो कि वो भी इनकलाबी जज्बो आ वो अफ्रीका में तुम सब वाकिफ़ आयु हिस्ट्री का तो 6 करोड़ अफ्रीकियों के कें साम्राज्य खंड में पटे वही बे हंध वही खी वो तो एक बेड़े में ही अफ्रीकियन गुलाम आ उनके वो हेंटर तो हणे तो वो उनके चिताए तो ऐसे हेंटर हणंदड़ के तो हेंटर हणंदड़ चवेस तो अज मुख समझ में आयो तो तुझा सब साथी बुख ए तकलीफ में कमजोर थींदा मरंदा वह उन लाश से समुंड में उछरींदा वह तू न थो मरी छाकाणि तो नफ़रत आ असा वह तो मरण को दे सो इंसान दुश्मन अवाम दुश्मन कौम दुश्मन पोरत दुश्मन जी रवैया रीतू ख्याल ढांचा रिश्ता उन्हें जो नफ़रत आ वो बजात खुद भी इनकलाबी जज्बो थी सके तो मुझे दोस्त आ लायक मानू ढो वो उनकी सजी परवरिश जी माना थी थदन मुल्क में जिनके अस सुधरल मुल्क सदींदा तरक्की याफ्ता मुल्क में सो वो इतने अची सफा डी क्लास कर पान के 24 कलाक कदें ओकाड़ा जारियों से बीठो हों कें कच्ची आबादी के जे रहायशी उन बीठो हों सजे ढी उन कम आ तो मू मुनज़िम करें खुआारी खणे तो मैं चवंदा तो कें पढ़ो हो असो तो कदें यो थी सके तो गदाई अस गोठ के पास में रो हो सही कौमीन खोश से भी असो रिश्तों थी वे या को कदें कि किताब पढ़ी वरतोसें तो तुझो माना इनकलाबी थियण जो माना मोहरिक छा हो कड़ी शे जो तो तोखे इनकलाबी बणायो तो वो चवंद तो शर्म इनकलाबी बणायो तो एक इंसान के इंसान की तजरील इंसान जो पे इंसानपणे खन दूर आ
जिन हालतों में रहने मजबूर है यो शर्म माना मां दिसा मखे शर्म वो शर्म माना मखे वेण कोन थे दिनो है मखे यो तो कुछ ना कुछ कजे यो भी पो यो जिया नफरत है शर्म जी गाल के सी समूरा जज्बा है समूरा एहसास मां समझा तो यो असा अदब जो कम आ तो वो उनन जी तरबियत करे उन के ठाहे उन के बेहतर करे बाकी घणो ता दोस्तों जो मां वक्त कोन उठंदो सिर्फ एक बगाल करे मां पंजी जाए वठंदुस अज भी माना असाज समाज में मां दिसा तो खोड़ सारा नौजवान राइटर हैं जो ढो भलो लिखंदा वह भी गाल उन्होंने माना को फेम जी या अजकल हुई सोशल मीडिया ये मेहरबानी करे छड़ी है तो मानू के एकड़ो प्लेटफॉर्म मिली वो तो मानू पांजो पान के एक्सप्रेस करे तो पांजी क्रिएटिविटी पब्लिक करे तो एक लिहाज का उन जन किथारसिस थी तो वे तो ढी शॉर्ट स्टोरीज एक दोस्त जो भल पढ़ी मैं उनके तो यार यो छो न थो माना इनके कंपोज करी या छपराई तो उन न ये ढी माना मायूस कदड़ ये ढी इन से सही ना जो ये माना को इन किताब छपराए ये एडी भल शी जबरदस्त शूं अलाय छो माना असाजे मां दिसा तो असाजे अदब से रिलेटेड दोस्तन के यो वो मायूसी की हकीकत त समझन था पांजी डायरी जे वर्कन में त लिखन था पर हु ने पब्लिक कोन था कन ए हु समझन था यो अस गुनाह कंदा सी त मायूस इंसानन के वरी मायूस कयो ए वॉल्टियर चवंदो त सतही जेका उम्मीद परस्ती आ उन हकीकी मायूसी हजार दफा भली आ छो जो जो, जो को सतही शैलो ऑप्टिमिज्म असाके माना एकड़े दौर में एनर्जाइज करे तो असाके पंपअप करे तो असा में साह वजे तो साह फुके तो पर उन जो अदब में भी उही असर थे तो जो को सियासत में जस्मम से थो तो माना टू मच सब्जेक्टिव थी वनो समझो तो जो को कुछ समझो था वो बाहर मामलो ये ही है वो बे दौर में वो दिसो था तो मौके परस्ती उनको लाजमी नतीजो थी तो पवे अदब में भी ये ही थे तो तमाम वड़ा मानू हा वड़ा नाला हा उन मौके परस्ती की भी इंतहा कई बटे ढी पे की गाल साई रसूल पली पली जी कचहरी से व्यास तो उन्हें बुधा पे जैसे जुल्फकार भुट्टे के गिरफ्तार क्यों तो अस अयाज दे व्यास अयाज के इस्तीफा दे भुट्टे नौकरी नहीं तो भुट्टे के गिरफ्तार क्यों अतों अयाज जो इस्तीफा चाहिए मारींदा भुट्टे के मां इस्तीफा को दींदुस इन यूनिवर्सिटी में मौजूद लिटरेचर भी हलो तो माना हाँ अस कि अड़न वड़न मानून की कथा कि क्यों असाके विरहणो पवंदो ना उन्हनि माण्हुनि खे जीअं सियासत में जमाल नकवी ते असांखे ॻाल्हाइणो पवंदो त असांखे जमाल नकवी जो लिविंग द लेफ्ट बिहाइंड वारो दौर ऐं उनजो टे ॾहाक कम्युनिस्ट तरीक़े जे अॻुवाणीअ वारे दौर खे त अलॻि करिणो पवंदो न त तीअं अयाज़ वारे दौर खे बि असांखे ईअं ईअं अलॻि करिणो पवंदो ऐं ईअं माज़ी में समूरनि किरदारनि जिते जिते असांखे इंस्पायर कयो आहे जिते जिते असां में साह विधो आहे जिते जिते असांखे सग ॾिनी आहे उहो उनखे बिल्कुलु वेलकम करणु घुरिजे पर जिते जिते उन्हनि मौके परस्ती कई आहे इहा लीक बि असांखे ई करणी पवंदी न तॾहिं त ॿिए दौर में असां उहे बुनियाद पैदा करे सघंदासीं जंहिंमें उहे माण्हू पैदा थी सघनि सो सतही उमेद परस्ती जेकॾहिं का लिखणी कंहिं माण्हू जी माना मायूस करे थी त हज़ार दफ़ा करे असांखे उहा मायूस असांखे माना लतीफ़ जी ॻाल्हि वांगुरु त खूह जा खई विख ते वेझी कई पोइ विख त उहा थी वेझी थिए न जॾहिं जॾहिं तव्हां मायूस थियो था पोइ तव्हां उहे हक़ीक़ी उहे दग ॻोल्हियो था जेकी तव्हांखे आज़ादु कनि ऐं तव्हांखे तव्हांजे क़ौम खे तव्हांजे तबिके खे तव्हांजे माण्हुनि खे आज़ादु कनि सो मां सम्झां थो त हीअ जेको जेके जंहिं दौर में असां सभु नए अदब ऐं नई सियासत जी ॻाल्हि था कयूं इहो हिकिड़ो उहो दौरु आहे जंहिंमें पुराणी नज़रियाती जेकेटूं असां ज़ोरी न बि पारायूं शयुनि खे ऐं पुराणा जेकी कथ मापा हुआ कंहिं बि शइ खे उन्हनि खे थोरो उन्हनि मापनि खे वरी जाचियूं ऐं थोरो वधीक फ्लैक्सिबल थियूं हज़ार दफ़ा जीअं असां सियासत में ॻाल्हि कंदा आहियूं त हज़ार दफ़ा असां अनार्किज़म या अनार्किस्ट रवैन जे ख़िलाफ़ु हूंदा आहियूं पर असां त सिंध में ॻोल्हींदा था वठूं त को अनार्किस्ट बि शल मिली पए
जो जिन क्रिटिक होजन सिस्टम से जो वेहन चाहे तो बाद में ये जड़ा असा जी आखिरी स्टेजन जन अस पे छो क्यूँ सो अदब में भी असें कोशिशों वन घुर्जन त मुख्तलिफ ख्याल रखंदड़ मानून के स्पेस अस दूँ ए घट में घट जी हालत आ अदबी संगत की जी थी वही है तो एक पास अस पीपुल्स पार्टी ए फंक्शनल लीग में चूंड करनी थी पवे तो घट में घट इन सूरत हाल में तो निकरी पार पऊँ ए घट में घट पाँगी हूंद तो जस्टिफाई क्यों जो इंदड़ मानून के लिए कुछ कर वनों को रस्त साफ बस यो बटे गाल दोस्तन से वंडणी तभी दोस्तन की मेहरबानी जो बुधव खामोशी से साईं बख्शल थलो साहब हाँ मैं गुजारिश कदस साई सलाम उनर साहब जिनके तो वे अचन साई जो अज जो मौजू आए अदब जहाँ तनकीदी नजरिया तो साई के गुजारिश थी कजें अचन पैं मकालो पेश कर साई सलाम उनर साहब सब का पैं सी के भलीकार मकालो जो दोस्त मकालो तो है को मुख्तसर गाल बोल थी इन मौजू से अदब जहा तनकीदी नजरिया जर्मनी के मशहूर फिलोसफर निट्शे तो सब का पैं अस तय क्यों शरह असी बाद में क्या उनकी सो अदब में जो कुछ अस लिखा वो कें न कें सियासी नजरिए या सियासी दग से हलंदे अस लिखा बख्शल मायूसी जेका है उहा भी पेश करण खपे तो जेकॾहिं इन के फिलोसॉफिकली ए क्रिटिकली इन दिसबो लिटरेचर में अगर मायूसी जो एंगल आहे तो फिलोसॉफिकली लिटरेचरी इम्पैक्ट जो छड़ी या उन साइको एनालिटिकली क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में दिसंदासीं तो उनको जो आउटकम या इम्पैक्ट जो थो न रीडर से लाजमी तौर पर उो ही थो तो भाई असो सोचींदड़ जहन जो है वह जिथे मायूस आ उन को दग नजर को अचे तो अस नंढड़ा जहन जी उन आधार था लाजमी तौर पर उ मुंझंदा कन्फ्यूज थे तो घणी गाल हों के नाहन कबियं उ लिकाय वन बन कठिन हालत में भी उत्साह जो दियण तमाम घणो जरूरी थी वेंदो तो मायूसी बदाते खुद उन जो फिलोसॉफिकली जैसे रिलेशन जैसे जुड़ो तो बख्शल वो मुझे ख्याल में या तो वही करे नेहलिज्म से बीह मुनक्रियत जो जो नजरियो या तो वजूदियत जैसे चवंदा या तो उन बीह उनको या तो साइको एनालिटिकली अस उनके दिसंदासीं त वो मानू जो होंगे पंजी नाकामियन के अगया रखी कर चवन तो सजो समाज जो है वो नाकाम तो एकड़े मानू की नाकामी जो है वह सजे समाज की नाकामी नथी थी सके एकड़े मानू की मायूसी जो है वह सजे समाज की मायूसी नथी थी सके एकड़े मानू की जिंदगी जो है पंजा साल पर एकड़े समाज की एकड़े कल्चर की जो जिंदगी वह सदन से हजारे साल मुनहसर थी कर उनकी जो इर्तका है उनकी जो तब्दीली आ गर्दिश में आ मुख्तलिफ़ मरहल में थी कर जवाल ए कमाल सब ऐसी पैं पान के सहेड़ी दुनिया से पैं तैलक हालत आधार पैदा कदी अगत बधे थी लाजमी तौर से उनके बढ़ खपे उन कोशिशों करण अस सभी मानन जो कम आ अदब उन जो तमाम हिकड़ो अहम हिकड़ो महाज आ त अदब में छा हुजन घुर्जे न हुजन घुर्जे यो पिण हिकड़ो नजरियाती बहस ही है सागे वक्त ते हर शे अदब में नथी थी सके ठीक है ना जो तुम कुछ सोचो था वो तुम दई छो उन तहन की समाज की अकासी के नाले में चई कर तो मुझे ख्याल में यो जो है अस बहस है पैं जगह से बहरहाल मुझे मौजू जो अदब जहा तनकीदी नजरिया वो एकेडमिक मौजू है एकड़े हिसाब से तमाम डिघो मौजू भी है बोरियत के टाइम के ऐसंदे मुख्तसर गाल अहम है सिर्फ उ कदस त अदब जहा तनकीदी नजरिया बजाते खुद का भी फिलोसॉफी को या उन को भी जो है अदबी जो नकाद हों नजरियेदान भी को समझा वेंदा थ्योरिटिशियंस भी को मना वेंदा या लिटररी क्रिटिक जो हों उन हैसियत ना है जी फिलोसॉफी के मानन के आ उन को मिसाल के तौर पर तुम जो भी वा नकाद उन फिलोसॉफर नो वे तो यो व्यू है
व्यू पॉइंट उन जो कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल भी थी सके थो ए मुख्तलिफ़ फिलासफी जेके हैं जेके भी हैं वीह सदी जो या उन अग जो उ सब उन कॉन्टेक्स्ट में मिसाल के तौर पर मां कें भी लिखणी से तनकीद तो क्या मार्क्सिस्ट के परस्पेक्ट में तो क्या या नेशनलिज्म के परस्पेक्ट में तो क्या या फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के परस्पेक्ट में तो क्या यानी को न को परस्पेक्ट उन लाजमी तौर पर हों पंज सत जेके हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म जा जेके नज़रिया हैं उहे मक़बूल रहा हैं तमाम घणा ही अज भी हैं उन्हनि में सब खां पहिरियों मुझे नज़र में जेको अॼु ॾींहं ताईं बीठो आहे उहा आहे मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जेका वेढ़ांद कंदी पई अचे मज़लूमनि जे लाइ ऐं उन खां पोइ ॿियो लेट 80s में जेको डेवलप थियो आहे अमेरिका ऐं यूरोप में उन में जदीद मीडिया उन जा जेके आहिनि जेके बि ऑप्श जेके बि पस मंज़र आहिनि समाज जा जदीद मीडिया खे उहे जीअं वालारे बीठा आहिनि उन्हनि सां उहा जेके आहे उन जे साम्हूं बीठी आहे मार्क्सिस्ट लिटररी क्रिटिसिज़म जे साम्हूं हू जीअं फिलासफी खे रिप्रेज़ेंट थी करे क्रिटिसिज़म उहा लाज़मी तौर ते मार्क्सिज़म ई आहे ऐं उन जे साम्हूं जेका बीठी आहे उन में पंज सत नज़रिया आहिनि उन में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म जी लिटररी क्रिटिसिज़म बि अची थी वञे पोस्ट जंहिंखे पोस्ट मॉडर्निज़म बि असीं चऊं था ऐं उनखे डी कंस्ट्रक्शनिज़म बि चवनि था रद तश्कील फ़हीम नूनारी साहिबु वेठो आहे इन तमामु घणो सभ खां पहिरियां मुंहिंजे ख़्याल में सिंधीअ में इन मौज़ू ते मज़मून लिखियो हुयो 2006 में सोजरे रिसाले में पर इहे सभु शयूं जेके आहिनि असां वटि ॾाढियूं घटि डिस्कस थींदियूं आहिनि असां वटि छपिजे छा थो पियो किताब छाते था छपिजनि मज़मून छाते था लिखिजनि पिया कहिड़नि मौज़ूअनि सां भरियूं पयूं आहिनि उहो सॼो असांजे अॻियां पियो आहे लाज़मी तौर ते जेकॾहिं क्रिटिसिज़म में सघ कोन्हे का त उहो अदब जेको कुझु लिखिजे पियो उहो रद्द बि नथो थी सघे ऐं उहो ज़ातियात जे एतबार ते सर्कल्स में जेको आहे रोटेट थींदो थो रहे पियो ऐं पोइ असां वटि जेको आहे मुख़्तलिफ़ अदबी जेके आहिनि नानी वेढ़ा जेके आहिनि उहे पाण खे एग्ज़िस्ट कंदा था अचनि पिया सिंधी समाज में मुंहिंजो ज़ाती राय इहो आहे त जीअं असां वटि तसवुफ़ जी हिकिड़ी रवायत रही आहे सिंध में समन कलोड़नि अरगुननि ऐं उन खां पोइ टालपुरनि जे दौर ताईं ईअं ई वरी पार्टीशन खां कुझु टाइम अॻु ऐं पार्टीशन खां पोइ वरी हेसि ताईं मार्क्सिज़म जी बि हिकिड़ी रवायत रही आहे सिंधी अदब ते रसूल बश्कपली जे शेख अयाज़ इब्राहिम जो इन ॿियनि अहिड़नि माण्हुनि जी लिखणियुनि जो एतिरो त असरु रहियो जो सिंधी अदीब हुजणु ऐं मार्क्सिस्ट न हुजणु ॼण त जेको आहे माना हिकिड़ो गुनाह करण वारो कमु थी पियो पोइ सम्झ में आयो या न आयो मार्क्सिस्ट थी वञणु लाज़मी ॼण त हिकिड़ो थी पियो त इहा पिणु हिकिड़ी रवायत थी करे बीह रही त भई तरक़ी पसंदि थियणो आहे नतीजे में जॾहिं तव्हां ॿ लीका कढी छॾिया ॿ रस्ता ठाहे छॾिया त पोइ तव्हां वटि जेको नौजवान जेको आहे जेको तव्हांजो रीडर जेको आहे उन वटि त ऑप्शन त बचे ई कोन थो अॻियां वधण जे लाइ ऐं ॿिया जेके आहिनि सोच जा रस्ता जेके आहिनि ज़ाविया जेके आहिनि उनखे ओसि ताईं उहो कीअं पहुचे लाज़मी तौर ते त इहो असांजे वॾड़नि असांखे जेको विरसो ॾिनो आहे न उहो बि अॼु जे दौर जे हिसाब सां रद्द थी वियल बि आहे हिकिड़े हिसाब सां माना इन चवण में का हरू भरू मुंहिंजे ख़्याल में को गुनाह कोन्हे को त उन्हनि जो कमु जेको आहे या उन जो जेको नज़रियो आहे उहो अॼु ॾींहं ताईं बीठो आहे त हाणे घणा पासा जूं ॻाल्हियूं आहिनि घणा ज़ाविया आहिनि तमामु घणा ऐं उन्हनि जे लाइ महिनत खपे थी लिखण वारे माण्हू खे जेतिरो पढ़णो थो पवे मुंहिंजे ख़्याल में उहो सभ खां वधीक ॾुखियो ऐं तमामु घणो जेको आहे कुल वक़्ती हिकिड़ो कमु थी पियो आहे ऐं असां वटि माण्हू जेके आहिनि उहो कमु नथा कनि पिया त क्रिटिसिज़म जेका आहे उहा त अञा तमामु घणी ॾुखी ॻाल्हि आहे क्रिटिसिज़म मतिलबु इहो क्रिटिसिज़म जो मतिलबु इहो आहे त जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो नावेल खणी करे पढ़ो था त उन में नावेल में उन नावेल खे तव्हां जंहिं बि एंगल्स मां परस्पेक्टिव मां या लिटररी क्रिटिसिज़म मां गुज़ारींदव ओतिरा नज़रिया पढ़िया हुजणु तव्हांजा ज़रूरी आहिनि ऐं इहो ई सभु बाबति असां वटि को बि क्रिटिक न आहे छो करे क्रिटिक तॾहिं पैदा थींदो जेतिरो ओतिरो पढ़ियल हुजे त क्रिटिक पैदा थिए न त असां मिसाल जे तौर ते प्रोग्राम थींदा आहिनि ऐं असां ॻाल्हाइण जे लाइ बीह रहंदा आहियूं साईं हैदर अली लगारी ते प्रोग्राम थींदो आहे तॾहिं बि मूं जहिड़ो नौजवान अची करे बीह रहंदो आहे उते ॻाल्हाइण जे लाइ त हिकिड़ो माण्हू जेको आहे अहिड़े माण्हूअ खे कथणु ॾाढो ॾुखियो त वध खां वधि असां माण्हुनि खे मुंझी आहे त वध खां वधि असांखे पढ़ण जो ट्रेंड ऐं सिहतमंद जेका तनक़ीद जेका थींदी आहे कंहिं बि एतबार खां उहा
उनको ट्रेंड जो है वो पैदा करो पे तनकीद का सवाल अगत वारो जो अमल आ मुझे ख्याल में मुमकिन को कड़ी भी तनकीद हो नेशनलिस्ट हो मार्क्सिस्ट हो फेमिनिस्ट हो साइको एनालिटिक हो जहाँ भी तक अचे थी लिखणियन के उन मझा गुजारण जो तमाम घो जरूरी थी तो पे मिसाल के तौर पर असा इतने गर्जाणी कंदा रहा पंद्रह बार गालू था खबर पे थी कथ थे थी लिखणी की इन में छा है छा ना है मुझे को दफो ये जो दिठो ना इन किस्म की अस रवश रही को इतने अस सर्कल्स में सिंधी अदबी संगत जो नाले की रही आ उनको जो कम जो है वो सभी के अगर है हाँ इन सजे के मन ठाण के लिए लाजमी तौर से असा के अगर अचण पी वो लाजमी तौर से ये सब रवायतू जन बो तनकीद के असं जाती हमलों भी समझा जैसे कें मुझे लिखणी से का तनकीद करे वेधी तो वो उन मुझी लिखणी से न पर मुझी जात से हमलो अस तस्वर कदा तो भाई इन मुझे ख्याल के रद्द किया यानी मुख्य रद्द कर छी तो यो असि सोच जो समझ ढी है ढी लिमिटेड आ ढी उन जो अस वाकुफ़ ना बुनियादी तौर पर अगर वाकुफ़ हुजूँ तो असं सभी शयन के भलीकार चूँ इख्तिलाफ़ रखने जो जो हक आ अगर वो असा में वहाँ सघ सहप पैदा थी वे इन किस्म जो रवायतू पी वन असा में तो मुझे ख्याल में सुठो असी लिखी सकूँ था यो सुठो तद ही लिखी सकबो जडें ये रवैया जन असा पे अदब में अदबी सर्कल्स में पैदा कंदी अदबी तनकीद के हवा से सब का जो पेचीदा जो मौजू मुखे जो लगे तो जो चैलेंज कर बीठो आ वो लगे तो पोस्ट स्ट्रक्चरल या पोस्ट मॉडर्निज्म जो नजरियो जो हाँ जो बीठो आ लेट एटीज में उनमें तमाम वड़ा नाला हैं जैक दरेदा मिशल फोको फ्रेंच फिलासफर जो ये नाला उनके सामूँ जिन उन वरी काउंटर करण की कोशिश कई मार्क्सिस्ट लिटररी जो है क्रिटिसिज्म के एतबार का उनमें लोय अल्थियोसे आ फ्रेंच फिलासफर बो टेरी एगल्टन आ फ्रेड जेम्सन आ उन न सिर्फ जो है मजलूम कौमन के लिए मजलूम तबक लिखो वेंदड़ जो अदब हुए उन शरह वजाहत कई पर सागे वक्त से जो है इस्तेहसाली कुवतन की हिमायत में उन्हीं स्टेटस को के बरकरार रखने वो जो अदब आ उन में लिखो वेंदड़ जो अदब हो उन भी उन्होंने सुठे नमूने से समझाणी दिनी आ असा वट सिंधी में फ्रेडरिक जेम्सन ते या कवरेड टेरी एगल्टन ते मुझे ख्याल में ये नाला ही अड़ा दवाओं जहाँ नाला था लगन फिलासफर्स या नाला ही को लगन अणजान था लगू अस इन तमाम घना अस मन हालत इहा है मां जडी दोस्तन से गाल कंदो या छा कंदो नतीजे में मुखे भी विसरी वेंदो छो करे गालू ही ना थींदियूं इन्हनि ते रिवीजन ही नथो थे बहस ही नथो थे गाल थींदी ना तो मां पढ़ंदो आहियां वरी विसरी वेंदो मुखा भी मुखे भी ये लगंदो पढ़ी करे विसारणी छॾे छॾण खपे कदें कदें मुझे ये भी लगता तो इन्हें इतने पढ़ने की जरूरत भी ना है जो इन किस्म जो बाकी थोड़ो घो तक मार्क्सिज्म इंदो हो पंज अठ ता नावल पढ़िया पढ़ियल होजन थोड़ा तक लिखण इंदो हो कुछ भी लिखण इंदो हो कुछ भी खड़ी कर छपा छो तक लेबल लगी वी सिंध में अदीब होजन जो तक सर्टिफिकेट दई छा पंज अठ नाले वा जो मूँ तो अदीब थे दानश्वर थे इतने एडो को दुख्य कम को अस सो असा जो मु पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की जो थ्यूरी आड़ी वसी भी है कॉम्प्लिकेटेड भी है ढी पेचीद पेचीदा भी है जी बीठी आ जै सब जो है नजरियाती एतबार का उण तो कैपिटलिज्म के जो एंटी नेशनलिज्म या एंटी मार्क्सिज्म थ्यूरी अनलिमिटेड वेल्थ जो कॉन्सेप्ट खणी करे अनलिमिटेड फ्रीडम जो अनलिमिटेड एक्सप्रेशन जो कॉन्सेप्ट खणी करे बीठी आ जका सौ सीधो एकड़ो नजरियाती अदबी फलसफियाई हथियार आ इस्तेहसाली कुवतन जो जी फ्रेडरिक जेम्सन चयो ना तो समाज जा ब तबका थींदा एकड़ो तबको होंदो आ मजलूमन जो पोरियतन जो बियो जो तबको होंदो आ सोचींदड़न अदीबन लिखंदड़न जो तबको होंदो आ जेकॾहिं मथियों तबको जो समाज जो गर आको एसेंस आो जैसे इस्तेहसाली लिखंदड़न सोचींदड़न जो थी तो वे तो हेठियों जो तबको आनंदी बोली गल तो लगे छो कर मथियों तबको तस्वर की मानाओं की रवयन की वजाहत ही अड़ी तो करे पो जो हेठियों तबको उन सही सही समझी कर कबूल कर तो छे पो रियासत खास तौर से ये कहती है इंटरप्रिटेशन्स अड़ी कराइंदी आठी तबके लिए जो उन ये जो ये कर कबूल कन त
या सजी जगह पखेड़ थी ना वह अदब के जरिए थी अदब टेलीविजन की खबर का वी अखबार का वी नावल तई मजहबी किताबन तई या तैलीम निसाब के अंदर जो कुछ पढ़ाया तो वे यो सजे जो सजो अदब ही है उनो एहसास से रुगो वास्तो कोनी को उनो इस्तेहसाल से इंसानी अकुल से भी वास्तो आ वो इंसानी अकुल के भी सघ बख्शे तो जो प्लेजर ऑफ फिलासफी में एके बिरोही साहब भी लिखो उनका बुनियादी कम एकड़ो तो जज्बाती सघ के वधाइंदो अकुली सघ के भी वधाइंदो तो ये बई शयून जो अदब बुनियादी तौर पर करे तो मुझे जहन में भी लाजमी तौर पर तमाम घना सवाल मां पा कन्फ्यूज आया गाल तमाम घणी पेचीदा मुझे गालण में सिर्फ एक झलक आई होंगी रिफ्लेक्शन्स आया हों किस्म जहा उ ढा सेहतमंद जैसे अगते उन्होंने पढ़ू था उन्होंने सोचूँ था उन्होंने गालू था बाकी नतीजा मूँ ना जो चवं था नतीजा कढ़ी कर बीह रो मुख्य खबर आंद अड़ो है कुछ को जो तक खुश क्या ढूं पेचीदा गालन जे तमाम घनी मेहनत का पोई असें जे समझी सकूँ था या बधी सकूँ था इलम ढो दुख्य वी सदी में फिलासफी जो है लिटरेचर जे उन नजरियाती बहस जो है बदाते खुद जो फुकुयामा जो किताब हो उन यो भी चो तो तारीख ही खत्म थी वह जो डिस्कोर्स में हो नजरिए दौर ही खत्म थी उन जी माना पैं जगह से ही ना है बीठल तो आइडियालॉजी या नजरियो पैं जगह से कि बीह सन वो उन्होंने फिलोसॉफिकली उन्होंने डिस्कोर्स में इं नो फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स का ये तो मार्क्सिज्म की जी आइडियालॉजी है या मजहबन की जी आइडियालॉजी है वह तो आ ही को बाकी विढ़ी है इम्प्लीमेंट उनके ते कौ तो इन हद तई जे गाल पेचीदा जे लाजमी तौर पर असें पढ़ खपन असें समझण खपन उ वरछण खपन असें नौजवान से मुझे ख्याल में मुझे गाल काफ़ी गाल जी पंज अठ दह गाल माना तई वंडे सको आया तो यह मुझी जो खुशकिस्मती कामयाबी है मेहरबानी मेहरबानी अदा सलाम मुनर साहब हाँ मैं गुजारिश कदस प्रोफेसर मिर्जा सलीम बेग साहब जिनके साई जिन जो मौजू है तो तरक्की पसंद अदबी तहरीक गदाई साई की गुजारिश है तो अचन इन्हें ख्याल इजहार कन प्रोफेसर मिर्जा सलीम बेग साहब स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम काबिल एहतराम अहबाब और नहायत काबिल एहतराम ख्वातीन हजरात सलाम अलैकुम। असल में तरक्की पसंद तहरीक जो है वो बुनियादी तौर पर सबकी झोलियां भरने का नाम है। ऐसे मुआशरे में जहां एक आदमी के पास करोड़ों अरबों रुपया हो और करोड़ों अरबों लोगों के पास एक रुपया भी ना हो तो वो सोसाइटी मार्क्स की नज़र में सोसाइटी नहीं है, वो एक इस्तेहसाल गाह है। अब अगर इसकी तफसील में जाया जाए तो उसकी हज़ार हा शक्लें आप देख सकते हैं और वाकिफ़ भी हैं, ये कोई किसी दूसरी दुनिया की बात नहीं है, ये हमारे अपने गिर्दोपेश की बात है। इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए हिंदुस्तान के कुछ नौजवान जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे और वो लंदन में ज़ेर तालीम थे, उन्होंने 1935 में नाकिंग रेस्टोरेंट में एक छोटी सी मीटिंग कॉल की और ये सब स्टूडेंट थे, इनमें से कोई मैच्योर एज में भी नहीं था उस वक्त, जिसमें राज बहादुर गौड़ थे, प्रमोद सेन गुप्ता थे और प्रोफेसर अली अहमद थे, सज्जाद जहीर उसके रूह रवां थे। ये सब लोग नाकिंग रेस्टोरेंट में जमा हुए और इस सूरत हाल पर इन लोगों ने बात की और इसकी तब्दीली का बीड़ा उठाया। उसके बाद प्रोफेसर अली अहमद चूँकि बीए कर चुके थे तो वो हिंदुस्तान आ गए और सज्जाद जहीर के वालिद जो उस वक्त जज थे उनकी पोस्टिंग लखनऊ में हो गई तो सज्जाद जहीर भी लखनऊ आ गए। यहाँ आकर इन लोगों ने एक किताब मुरतब की जिसमें दो तबाज़ाद अफसाने थे, एक अफसानों का तर्जुमा था, एक ड्रामा था। उस किताब का नाम रखा गया अंगारे। ये 1935 अप्रैल में छपी। इस किताब में
یو پی گورنمنٹ کے خلاف یا انگریز حکومت کے خلاف یا اس کی پالیسیوں کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں تھا، لیکن ماہر القادری اور دیگر رائٹ کے علماء کرام اس کے خلاف سفارہ ہوئے اور ایک ایسی فضا بن گئی کہ یو پی گورنمنٹ کو، صوبائی حکومت اتر پردیش کو وہ کتاب ضبط کرنا پڑی۔ اس کتاب کی ضبطی سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ نوجوان اس ٹھوکر کو کافی سمجھیں گے اور سنبھل جائیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ٹھوکر ان کو جگانے کا اور جھنجھوڑنے کا کام کر دے گی۔ چنانچہ یہ لوگ متحد ہو گئے اور مزید پرجوش ہو گئے۔ یہ ایک جگہ اور انہوں نے فرمایا کہ چولہے کے آگے آگ جو جلتی حضور ہے، خالق کی نعمتوں کا اسی جا ظہور ہے، جتنے ہیں نور سب میں یہی خاص نور ہے، اس نور کے سبب نظر آتی ہیں روٹیاں۔ تو یہ نظیر کا رنگ تھا، یہ پہلا آدمی تھا کہ جس نے اس چیز کی بات کی جو بنیادی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سندھ میں جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو وہ بھی فوراً ہی اتفاق سے ایک محرومی کی داستانوں میں ایک نیا باب ہی لے کر آیا، اس سے بھی کوئی مثبت تبدیلی کی کوئی امید جو لوگوں نے لگائی تھی وہ ممکن نہ ہو سکی۔ گرفتاریاں ہوئیں، حیدرآباد جیل کو فیض احمد فیض اور ان کے ساتھیوں نے آباد بھی کیا، اور وہ جو ان کا مشہور شعر ہے کہ فیض اوج خیال سے ہم نے آسمان سندھ کی زمین کی ہے، تو وہ سندھ کی زمین تو یقیناً انہوں نے اپنی شاعری سے آسمان کی ہے، اور یہ ادبی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہاں پر معاملات اتنے الجھتے چلے گئے اس ملک کے کہ وہ شعر ہے بہت اچھا کہ غیر ممکن ہے کہ الجھائی ہوئی گتھی سلجھے، غیر ممکن ہے کہ الجھائی ہوئی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک گدائی صاحب کیا شمشیر الحیدری، یا اور میں اگر نام لوں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، ویسے ہی میں بہت تاخیر سے آیا ہوں اور ابھی مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنے مقررین ابھی باقی ہیں۔ تو سب کی کوششیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی حد تک تو بہت ہے، لیکن اتنی بڑی فضا کو تبدیل کرنا، اتنی بڑی سازش کا مقابلہ کرنا، استعمار کے اتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چراغ جلانا، یہ ابھی تک ایک خواب ہی ہے اور اس خواب کی تعبیر کہیں نظر نہیں آتی۔ آخر میں ایک شعر اور سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شعر ہے کہ امید کی کرن کے سوا کچھ نہیں یہاں، امید کی کرن کے سوا کچھ نہیں یہاں، اس گھر میں روشنی کا یہی انتظام ہے۔ بہت شکریہ۔ مہربانی سائیں، ہاں میں گزارش کندس محترم سائیں لال بخش جسکانی صاحب جن کے تو اچن سائیں جو موضوع ہے تاریخ جو شعور ہے گدائی، سائیں کی گزارش تھی کا جدا اچن آئل مہمان کے بلیکار بٹائی چاہو سنا بام بام سپ سپ سکا جنی پیٹ تنی جی جپیٹ جنگن کے جوکھو تھی۔ مارکس چاہو جے کا قوم بی قوم کے غلام بنائی تھی سا پان کڈے بھی آزادی نتھی نتھی تھی سکے نتھی آزاد تھی نتھی سکے۔ این لینن چاہو جو کو مانو قومی ظلم ہے نابرابری خلاف لڑائی نتھو کرے سو مارکس جی انقلابی تعلیم جو سچو ہے پوئلگ تھے ہو پر سکھنو جمہوریت پسند بکونے۔ نالے وارے ترقی پسند شاعر عبدل کریم گدائی جی شاعری ویہ صدی جے پہرن ڈہاکن میں تے پکھیل ہے، ان کا سٹھ ستر سے ڈہاکے تھی وہ سچو انقلابی پکھیل ہے۔ وہ سچ ہاں ہاں ویہیں صدی جو ہے ویہیں صدی ہے ویہیں صدی ہے وہ سچو انقلابی دیش بھگت عوام دوست پوریت دوست پانچ دیش سے ماروڑ کے آنجن ایزان بابت لکھو بے باقی سے آزادی انگور کڈیا کہڑا ڈیہ میں، آزادی انگور کڈیا کہڑا ڈیہ میں۔ گدائی جی جے شہری مجموعن جا عنوان ہیں سانے جا سور پکھڑا پنوار پنوار
पैमाने ते पैमानो गदाई जो जुल्म डार जे खिलाफ दिल खोले लिखियो आए उन उन आज़ादी ते लिखियो जहन समाज के तबकन में विराए छड़ियो आज़ादी अंगूर कटिया कड़ा डे में देह में शायद हित न संभरा मारूड़न मारूड़न मसरूर ॾींहं खाइनि ॾोझरा रातिनि जो रंजूर आयल अबाणनि संदा पल पल पवन पूर संगारनि जा सूर सरतूं सलियां कंहिंसां तारीख़ में तकदीर जो को बि हिसो नाहे मार्क्स तारीख़ में इंसान जे किरदारु अमल जी आज़ादी मजबूरी जो ज़िक्र हिकु हंधि तमामु चिटे नमूने कयो आहे छो त इंसानी अमल ऐं ख़ुदिमुख़्तियारी ऐं ख़ुदिमुख़्तियार आहे इंसानी अमल आज़ादीअ जो आज़ादु ऐं ख़ुदिमुख़्तियार आहे पंहिंजी मर्ज़ी सां तारीख़ ठाहे सघे थो जोड़े सघे थो हू चए थो त इंसान पंहिंजी तारीख़ पाण ठाहे थो पर पंहिंजी मर्ज़ी सां नथो ठाहे इंसान त अथाह सलाहियतुनि जो मालिक आहे पंहिंजी लियाकत ज़हानत ऐं वसीले फितरत खे आहिस्ते सम्झी शिकस्त ॾेई ऐं फतेह हासिलु करे थो ऐं क़ुदिरती वसीलनि खे फ़ाइदे लाइ क़दमु आणे थो तब्दीली अवाम जे गॾियल ख़्वाहिशुनि वसीले कंहिं बहितर मुस्तक़बिल लाइ ख़ुशहाली जो पैगाम आहे तारीख़ में साज़िश जी का बि गुंजाइश कोन्हे तारीख़ में बादशाहनि जो तख़्तो ऊंधो करणु आम हो पंहिंजे ज़ाती इक़्तदार वसीले ताक़तवर फ़र्द इक़्तदार हासिलु कंदा हुआ एशिया अफ्रीकी ऐं यूरोपी आबादियुनि मंझि साज़िश वसीले फ़ौजी इनकलाब आया जंहिंमें शख़्सी हुकूमतुनि आमिरत जे बुनियादनि खे मज़बूत कयो वियो तंहिं करे इहो चई सघिजे थो त साज़िश ज़रिए तब्दीली समाज ऐं अवाम लाइ हानिकार ऐं चीओ रसाए थी हिन तब्दीली में अवाम एतमाद जो अवाम जो एतमाद नथो रहे इहा अवाम दुश्मन ऐं पाएदार न आहे साज़िश जो वसीले इक़्तदारु हासिलु करण जो बुनियादु कुदरत ऐं ताक़त ख़ौफ़ ऐं दहशत ते रखनि था मामूली शक ते क़तलु क़ैद बंदि जूं सख़्तियूं ऐं अज़ाब वसीले मुखालफ़नि खे ख़तमु कजे थो लेनन बि हिन ॻाल्हि जी पुठिभराई कंदे चयो त अवामी इनकलाब कंहिं बि साज़िश ज़रिए नथो आणे सघिजे अवामी इनकलाब शऊर सां अचे थो जेसिताईं समाज जे अक्सरियत खे ज़हनी तौरु तयारु नथो कजे एसिताईं का बि सियासत मुआशी ऐं समाजी तब्दीली देर पा असरु पैदा नथी करे सघे ॿोलियूं ऐं सकाफ़त क़ौम जी मीरास ऐं हिकु समाज जे हज़ारनि सालनि जे तजुर्बनि ऐं निचोड़ जो नतीजो आहिनि क़ौम जी सुञाणप ॿोलियुनि ऐं सकाफ़त वसीले क़ाइमु आहे जॾहिं सिंधी ॿोलीअ ते ॾुखियो वक़्तु अचे थो गदाई जो आवाज़ु सिंध जे चपे चपे में गुंजणु लॻे थो तुंहिंजी ॿोलीअ ते धारियुनि जी जलगार हुई तुंहिंजी लोलीअ ते गोली जी वसकार हुई सिर ॾेई साख तुंहिंजी बचाई बचन मुंहिंजे सुख जा चमन सिंध जा प्यारा वतन गदाई फ़न फ़िक्र जे बुलंदियुनि खे छुई वीहीं सदी जे फ़िक्री मुआशी सकाफ़ती साइंसी तब्दीलीअ जो हामी आहे हिते बिगड़ियल भाग खे संवारण लाइ असांजे माण्हुनि खे रोशन ख़्याली सचनि जज़्बनि सां हिन रीति उत्साहे थो ग़ज़ल आहे अगरि वक़्तु बिगड़ियो संवारे छॾियोसीं सॼो वक़्तु खिलंदे गुज़ारे छॾियोसीं विढ़ी तेज़ तूफ़ान ऐं मौजनि सां हमदम वञी नेठि ॿेड़ो किनारे छॾियोसीं विसामी वेही शमा घर ज़िंदगी जी हज़ारनि चराग़नि खे ॿारे छॾियोसीं पंहिंजे वतन समाज सकाफ़त ॿोली ऐं माण्हुनि शहरनि सां प्यारु सियासी ऐं मुआशी मुसबत तब्दीली जो वॾो मिसाल ऐं कमिटमेंट आहे गदाई पंहिंजे शहर जेकब आबाद जी अज़मत ऐं मुहबतुनि जे कोमल जज़्बनि जो भरपूर इज़हार हिन रीत करे थो शहर बि कोई शहर हुयो हिन शहर जी कहिड़ी ॻाल्हि कजे जेकब आबाद सां वाबस्ता दर्द कथा सां गॾु शाइर पंहिंजे वतन जी अज़मतुनि खे साराहींदे चवे थो जित क़दुरु न आ फरज़ाननि जो हर रोज़ जिते हर पल पल में थो खून थिए अरमाननि जो केॾो न फिज़ाउनि में बूसट आहे ही शहर आहे कहिड़ो शहर जित प्रीत जी रीत निराली आहे अकाल मुहबत जो खेॾो ही शहर वफ़ा खां ख़ाली आहे हिते चौबट राजा हा पिरजा ॿोली भाली आहे ही शहर कहिड़ो शहर आहे जिते
گدائی انسان جی فطرت اصلیت خواہش شادگی سچائی جو اظہار ان ریت کرے تو جے تو مٹھڑا خار نہ کھائیں تو کا ایکڑی گال پچھاما کیر تا جنسی متو کیر نہ آ جنسی متوالو جنس جی الفت کہیں کے نائیں رشی منی آ عابد زاہد کیر انہیں کا آجو آئے مانو نیٹ مانو آئے آخر کوئی فرشتو نہ ہے۔ سندھی سماج میں جبر ڈاڈ ان برابری سماج میں موجود ناانصافی تھے احتجاج کرنے چاہے تو خدایا عید چھا نالو انہیں جو آہے جو گھر میں وسے تھی یا سے حسرت نہ حسرت بے کسی خانہ ویرانی بھلا مسکین قربانی دین کہڑی اڑے زاہد یہ خود صدقے سندا بکرا دین سے کہڑا قربانی کہڑی قربانی۔ عبدل کریم گدائی پہلی جنوری 1901 تے 28 جنوری 78 تے انفانی جان کے چھڈیو۔ ایک دفعے پان ایک نوجوان مسلمان کے ایک ہندو جی حیاتی ملکیت بچائیں دے جیکب آباد شہر میں پانچ اکھن سے ڈٹھو جے کی واقع ہندو مسلمان اتحاد بھائی چارے جو وڈو مثال ڈسندے چھو کا مہر وفا جی پرکھ نہ آئے کا تھا عشق سا گبھرو راند کڈن جے ویل اچے سر گورن جی بھی نہ تکن تھا دور بھجن۔ گدائی ہندو مسلم اتحاد بھائی چارے جو وڈو حامی پرچارک ہو ان سموری حیاتی ظلم ڈاڈ نائنصافی پرمارت خلاف جدوجہد جاکو کئی ان پانچ خوابن کی ساویا لا سندھی سماج میں امن آشتی سکھ سون بھائی چارے برابری خوشحالی لائے جاکوڑ کئی تو سندھی سماج میں مارو ان سے متا گوندر ڈولامن جو دور نیٹ سے ختم تھی۔ ان نئے صبح کی امید تے قائم ہی نئی صبح کی امید تے قائم رہو مایوسن کدیں بھی سندس رستہ نہ روکیا واٹن تے سو جار وچھائل من جا موتی گھائل واٹن تے سو جار وچھائل من جا موتی گھائل وک وک تے سو سو وار اجا بھی ساگیاڑی وری چوے تو آزادی انگور کڈیا پر ماگ نہ موٹی ماروی۔ ننڈڑی عبدل کریم کے ٹھل پرائمری اسکول میں داخل تھو 1911 میں ٹھل پرائمری اسکول میں داخل تھو اینگلو ورنے کی جو امتحان 1920 میں پاس کئیں استاد ستی رام حیدرآبادی جی کوشش سے انگریزی پڑھو فری بورڈر تھو کھیس تعلیم ڈیارن میں ٹھل کے ریونیو آفیسر آنند رام جو وڈو ہتھ ہو ہت سب موسموں چھات ہندو مسلم اتحاد بھائی چارہ ہو ان زمانے میں ہت سب موسموں بسنت رت جو ڈیکھ ڈیندی ہوئی مندر مسجد میں بھگتوں عبادتوں تھی ہوئیں سب گجی ان میں شامل تھا ہوا کئی بھی مذہبی کٹر پانی کا سوائے ہولی ڈیاری دساڑی عید مراد محرم سب خوشیوں گجی ملائیندا ہوا۔ برکت علی آزاد صحبت میں صحافی بنو ٹے شاعری جا کتاب چوتھوں کتاب نصر جو خان گڑھ کا جیکب آباد تھی لکھیں وہ جیکب آباد جلا سندھ کے وڈے عاشق سر جان جیکب آباد پانچ جوانی میں اتنے پتو سندھ کی فتح کا پوئے اتنے رہو 1878 میں سندس بھا فلپس کھیس خط لکھو ہانے تو موٹی اچ بیمار ان جواب میں لکھو بھا کے تم ماں نہ موٹنس ہی جگہ جگہ ہے ہی مجھے جگہ ہے سو اتنے مجھے امن سکون ملو ہے ماں اتنا تاں وٹ ہاں مجھے جے کی کچھ ملنا سو اتنے ملو ہے وہ مجھے تاں وٹ نہ تو ملی سکے تے کرے ماں سو گال ہے تو سندھ میں کو اڑی کا کامیڑا ہے کوئی اڑو سہرا ہے کوئی اڑو جادو ہے ان مٹی میں جکا سیفران کلر جی ہے گیڑو رنگ کی مٹی ہے جو ہتان جو تھی ویو وہ عاشق جنتے ہیر بھی جو ہے سو پڑھ پیا پون بسوں پہ باسن مانو جو بلیف ہے مانو جو ایکڑو تو گال ہے تو ان وطن میں کا اڑی خوشبو ہے کا اڑی سران ہے جو اتنے پرے پرے جا رشی صوفی کتھاں کتھاں جا مانو کہی آیا ہتھاں جا تھی گیا۔ بہرحال
सोबत में शायरी जा किताब चौथों किताब खानगढ़ का जैक बाबत तीन लिखो उवीह सौ पवीह शायरी लिखण शुरू कयाई हारन पोरेतन हुनरमंदन के हकन ला गदाई बणजी समूरी हयाती अर्पी सिंध हारी पार्टी तरफा ठुल में कॉन्फ्रेंस को ठाई वही जैमें सिंध जो वो वजीर अलाबश सूमरो डॉक्टर चोएथराम शेख अब्दुल मजीद सिंधी कामरेड अब्दुल कादिर सदर सिंध हारी कमेटी गदाई शामिल होया पान हारी कमेटी जेकब आबाद जो जनरल सेक्रेटरी तौर हारन के हकन ला हैदराबाद जतोई के वेझे साथी तौर गजी कम कयाई उवीह सौ बटी में गदाई कांग्रेस पार्टी में शामिल थो ठुल कांग्रेस कमेटी में कुईटी जहाँ मूवमेंट में मुतहरिक रो हिंदुस्तान छे वो तहरीक में पिण भरपूर हिस्सों वरताई पान बरकत अली आज़ाद की सलाह से सिंध के हकन हासिल कर खातिर नेशनल अवामी पार्टी में मेंबर थी कम कयाई विरहांगे का मुल्क जागीरदार वडेर व्यापार के हवाले थो गरीब हारन पोरतन की किस्मत जागी गदाई जहा ख्वाब भजी भोरा थे मुजामती शायर शायरी वसीले संदस जज्बा हमेशा जवान रहा एक सच्चे इनकलाब की हैसियत में हमेशा अटल रो ललकार रहे तो अज ब सारी रात रुनो अज ब सारी रात रुनो वेठी मारवी सारो मुल्क मलीर जो आयो वागुन वात कढ़ी कोई कात मारे मंगर मछ की साल उन्नीस सौ चौवंजा में तरक्की पसंद अदीबन सिंधी अदबी संगत सिंध जो कराची में बुनियाद विधो गदाई उन में शामिल थी वनी उन खिलाफ़ भरपूर मुजामत कई जदोजहद हिस्सों रो उवीह सौ सत्तर में वनी उन के टुटण जो रेडियो से ऐलान थो तो गदाई बहकण शुरू कर लगो बहकण लगो सुबह जो बर्क लहरन अचानक खबर पहचाई तो पैंजी मारवी खैरन सा मागन ते वरी आई अरहीं सदी के मूर्खन जो ख्याल हो तो तारीखी वाक्यन के पुठिया को लिखल छिपल है उन समूरी माजरा के खोले पदरों पट कज तो इन्हीं तारीख़ी रूह के गोल्हो वे चौथी मार्च सत्तर के साने के केर विसारे सके तो यो तारीखी ढी सिंधी शागिर्द जागरता ए डिनल कुर्बान वसीले वनियुन के टुटण सिंधी बोली बाबत तारीखी फैसला थिया इन कौमी तहरीक में जागरता जो एक बाब है इन हलचल में गदाई जो पड़ाडो गूंजे तो दोदा दरिया खान उथी पिया होशू दोदा खान उथी पिया सिंधु जहा सरवान उथी पिया हाँ पैंजो पान संभार साई हमीन सिंधी के कोठायल तारीखी जशन रू रियाण में पढ़ियल नज़म गदाई कौमी तहरीक में अकबरों नजर अचे तो छाल देई अज साग्या छोरा कोट कंदासे भोरा भोरा सोरे सिर का धार अजा भी साग्याड़े अब्दुल करीम गदाई सिंधी बोली जो तमाम वो तरक्की पसंद शायर सिंध के सभी तारीख़ में अमली तौर तमाम वो किरदार निभायो सिंध की तरक्की पसंद तहरीक में मुतरक रही अगते वधण लाए वो कम कयो ज़रूरत इन गाल जी आए अब्दुल करीम गदाई ते कौमी सेमिनार कराए तहकीक वसीले संद शायरी शख्सियत किरदार के वधीक उजागर करे असाजे नए नस्ल के आगाही डिनी वे उवीह सौ सत्रह वाले रूस के इनकलाब का पोए गदाई समाज में भंज रहा दुनिया में मुआशी समाजी तरक्की तब्दीली ऐसी उन दौर की गाल करे तो छो पघर के पोरे ते हिते फुरमार लगल चौधारी पैसे जी उजारे दारी आए चो बख्त निकमे जो रोशन मजदूर जी किस्मत कारी आ गदाई कौमी इश्क जी गाल हिन रीत करे तो समायो जड़े दर्द इंसान दिल में गम इश्क जाना विसारे छो गदाई औरतुन सा बराबरी जे हकन ए समाज में मर्दन जे फोकियत औरतुन सा नाइंसाफी जे खिलाफ हिन रीत आवाज़ बुलंद करे तो अन्या सन्फ नाजुक सताई वने थी अन्या मर्द जो मर्तबो आए मथेरो वरी चवे तो हित कुआरन कोमिल जिस्मन जी उस्मत असमत जा लाल विकामन था कुछ सिक्कन ते कुछ नोटन ते हित हुस्न जमाल विकामन था आडो कर जहजे खीसे में आडो कर जहजे खीसे में थो मुल वठे मयारन के मेहरबानी साईं आखिर में मां गुजारिश कंदुस वोट ऑफ थैंक्स लाए मोहतरम साईं मंजूर थाइम साहब जिन के
साईं आहिनि, सदर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन हैदराबाद चैप्टर, ऐं हिकिड़ो ॿियो बि ऐलान कंदो हलां त अॼु जे प्रोग्राम जी मुकमल कार्रवाई सुभाणे शाम 5 वॻे ऐं राति जो 10 वॻे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां दुनिया में वेठल सिंधी ॿुधंदड़ लाइ नशर कई वेंदी। तव्हां सभिनी दोस्तनि खे कोशिश गुज़ार कजे थो ऐं गुज़ारिश कंदो साईं मंज़ूर थईम साहिबु जिन खे त अचनि ऐं वोट ऑफ थैंक्स जेको आहे महिमाननि खे चवनि। साईं मंज़ूर थईम साहिबु, पहिरीं तव्हां पंहिंजनि स्पीकर्स महिमान दोस्तनि साथियुनि जो इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां, शुक्रगुज़ार आहियां ऐं स्पेशली साईं लाल बश्क जेसकाणी साहिब जो, जंहिं जी तबियत नासाज़ हुजण जे बावजूद हामी भरी साईं गदाई साहिब ते ॻाल्हाइण जी, ऐं मुंहिंजा ई दोस्त वेठा जेके आहिनि साईं नूनारी साहिबु। एक्चुअली हिन प्रोग्राम जी इनिशिएटिव साईं फ़हीम नूनारी वरितो ऐं उन ई असांखे इहा एडवाइस कयो त गदाई साहिब ते ई प्रोग्राम थिए। उहो त असांजे बि ज़हन में हुयो त गदाई साहिब खे ट्रिब्यूट ॾियूं, पर साईं जी महिरबानी जी इनिशिएटिव वरितो ऐं असांखे उहो फैसिलिटेट कयो। असांजो दोस्त सलाम असांजो हिसो आहे असांजे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन्स जो, असांजो कॉमरेड साथी साईं बख़्शल ऐं असांजा ॿिया जेके दोस्त वेठा आहिनि थिया, ऐं हर कंहिंजो नालो कोन थो वठनि, सभु मुंहिंजा दोस्त साथी आहिनि, सभई हिन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जिन सॾ ते आया उन्हनि असांखे मान ॾिनो, तव्हां सभिनी जी महिरबानी। ॿ टे शयूं जेके आऊं आख़िरि में गुज़ारिश कंदो हलां, उहो आहे त प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन्स ही जेके सन ऑफ सॉइल आहिनि इन्हनि खे ट्राइब्यूट्स ॾियण जो सिलसिलो इन फ्यूचर बि जारी रखंदी। इन जो मक़सदु जेको आहे उहो इहो आहे त असां पंहिंजे हीरोज़ खे पंहिंजे यूथ खां इंट्रोड्यूस करायूं, उनजी यूथ सां उन्हनि जो हिकिड़ो कॉन्टेक्ट करायूं, हिकिड़ो मक़सदु इहो आहे। ॿियो मक़सदु इहो आहे त असीं पास्ट में असीं जेकॾहिं ॾिसूं था त उन मां उहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असांखे वरी सपोर्ट ॾियनि, जेके वरी असांखे रीबिल्ड करण में मदद ॾियनि। उन में ख़ासि तौर ते जेके शयूं असांखे हेल्प कंदियूं उहा इहा आहे त उन्हनि जेके सन ऑफ सॉइल आहिनि उन्हनि जे पंहिंजनि माण्हुनि सां कमिटमेंट, पंहिंजी ॿोली सां कमिटमेंट, उहो रिश्तो जेको उन्हनि पंहिंजनि माण्हुनि सां बीहारियो, उन्हनि खे असीं वरी रिवाइज़ कंदासीं त जीअं असीं उहा रिवायत जेका आहे उन्हनि माण्हुनि पंहिंजी धरती पंहिंजनि माण्हुनि सां जेका आहिनि जोड़ी उनखे असीं कंहिं तरह सां जेको आहिनि रिवाइज़ कंदा अचूं। ऐं गदाई साहिबु ऐं सम्झा थो त पंहिंजे दौर जो तमामु वॾो माण्हू आहे, यानी की उनजी जेकी क्रेडिबिलिटी में जेका शइ वञे थी उहा इहा आहे त हीउ उहो माण्हू हुयो जीअं उन वक़्तु जॾहिं हिन सॼे रीजन में माना डिवीज़न तक़सीम जी ॻाल्हि थी रही हुई ऐं हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐं हिंदू मुस्लिम जा जेके नारा लॻी रहिया हुया त हिन माण्हू वर्किंग क्लास जा इशूज़ जेके खणी इन तक़सीम जे ख़िलाफ़ु कयो त भई तक़सीम जेका आहे उहा माण्हुनि जी जेका तक़सीम जेका थिए थी उहो रुगो ख़ितनि जी तक़सीम कान्हे पर हिन सां माण्हू तक़सीम थींदा, माण्हुनि जा अहसास तक़सीम थींदा, माण्हुनि जूं फीलिंग्स, माण्हुनि जा रिश्ता तक़सीम थींदा। हिन माण्हू जेको आहिनि उन सॼे तक़सीम जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ी मूवमेंट यानी की वर्किंग क्लास जी जेका मूवमेंट हुई उन में हिकिड़ो पंहिंजो रोल प्ले कयो त हिन जी क्रेडिबिलिटी में इहा तमामु वॾी हिकिड़ी ॻाल्हि वञे थी जंहिंखे असीं सम्झूं था त हिन वक़्तु जेकॾहिं खणिजे त उनजी तमामु वॾी अहमियत आहे। ऐं ॿी शइ जेका असीं जेका करणु वञूं पिया उहा इहा आहे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन्स पंहिंजे कुलीक जेके राइटर्स ऑर्गनाइज़ेशन्स आहिनि उन्हनि सां हिकिड़ो रिश्तो जोड़णु चाहे थी त जीअं असीं हिन वक़्तु सिंधियत बि संगत जा असांजा दोस्त वेठा आहिनि थिया, हमसरी असांजो मैगज़ीन आहे ऐं ओसर पेड़ीका वारा जेके असांजा दोस्त आहिनि, असां कंहिं न कंहिं तरह सां इहा रिवायत माना शुरू करणु था चाहियूं त जेके असांजा राइटर्स जेके एसोसिएशन्स आहिनि उहे घटि में घटि हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते अचनि, उहे पंहिंजो पाण खे अंडरस्टैंड कनि, उहे जॉइंटली हिकिड़ा वेंचर कनि, जॉइंटली पंहिंजूं जेके आहिनि इवेंट्स कनि। ऐं हिन वक़्तु इन शइ जी ज़रूरत आहे त असीं जॉइंटली जेका आहिनि कुझु शयुनि ते स्टैंड वठूं ऐं कुझु शयूं जेके आहिनि उन्हनि खे अंडरस्टैंड कयूं। ऐं उन खां पोइ जेका ॿी शइ आऊं करणु चाहींदुसि तव्हां दोस्तनि जे हवाले सां उहो इहा आहे त असां वटि हिकिड़ो वॾो हल्को आहे उर्दू स्पीकर्स दोस्तनि जो। मुंहिंजा हिते वेठा आहिनि दोस्त मिर्ज़ा सलीम बेग, असांजो प्रोफेसर, असांजो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन जो हिसो आहे ऐं साईं सिंधी यूनिवर्सिटी जो जेको उर्दू शोबो आहे उनजो चेयरमैन आहे, इहो असांजे लाइ वरी हिकिड़ी आनर आहे।
असि चाहूं था तो इन स्पेस के वधायूं यो ट्रुथ है त इन वक्त इन बिनी गालाइंदड़ वारन माउन के एक प्लेटफॉर्म ते हुजन खपे जेकर असि इनी ट्रुथ के न एक्सेप्ट कबूल कंदासी त सी डाडा आइसोलेट थी वेंदासी या गाल आऊं पंजे उर्दू स्पीकर्स दोस्तन के बिचंदो आया त भई तवा जी बोली सिंधी आयो पर तवा हन धरती जा हिस्से आ हिस्सा आयो लिहाजा तवा के वो एटीट्यूड इख्तियार करन गुर्जे ऐं सिंधी दोस्तनि खे बि आउं चवंदो आहियां त तव्हां बि रविया जेके आहिनि पंहिंजा पंहिंजे दिले दिमाग़ खे एतिरो ओपन कयो जो इन्हनि शयुनि खे समोए सघो त प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन इहा कोशिशि कंदी त पंहिंजे उर्दू स्पीकर्स राइटर्स ऐं सिंधी स्पीकर्स राइटर्स खे जॉइंटली जेको आहिनि हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते आणे ऐं उन्हनि जे लिखणियुनि खे उन्हनि जे जेका आहिनि माना राइटिंग्स खे जेका आहिनि उहो तव्हां दोस्तनि ताईं बि पहुचाए इहो आऊं उर्दू स्पीकर्स दोस्तनि खे बि चवंदुसि ऐं तव्हां दोस्तनि खे बि चवंदुसि आख़िर में आऊं जेका बुनियादी ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त असां वटि जेके फीमेल राइटर्स आहिनि असीं कंहिं तरह सां चाहियूं था त उहो उन में जो हिसो थियनि ऐं असांजे लाइ इहा आनर आहे त असांजी आर्टिस्ट असांजी दोस्त साथी असांजी सिंधु अमर सिंधु नवाज़ जेका रिसेंटली जेका आहे पंहिंजा काफ़ी जेका आहिनि इवेंट्स कंदी रही आहे उहा असांजो हिसो आहे ऐं इन फ्यूचर असीं इहा कोशिशि कंदासीं त असीं अदब आर्ट कल्चर मूवीज़ इन्हनि सभिनी शयुनि ते गॾिजी करे कमु कयूं ऐं असां सां हिकिड़ा क्रिएटिव छोजो त असांजी भेण अमर सिंधु नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स मां ग्रेजुएशन थियल आहे ऐं इहा असांजे लाइ वॾी ऑनर आहे त हिकिड़ा माना प्रोफेशनली जेके माण्हू जेके आहिनि आर्ट सां बिलोंग कनि था उहे असांजो हिसो आहिनि ऐं असां अॻिते हली उनखे उन तरह सां चवंदासीं त फीमेल पोर्शन असांजो जेको आहे असीं कोशिशि कयूं था फीमेल राइटर्स जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ तमामु वॾो स्पेस पैदा कयूं प्रोग्रेसिव राइटर्स चाहे थी आहे त उन्हनि खे हिकिड़ो स्पेस ॾिए ऐं उन्हनि खे हिकिड़ो ॾिए आख़िरि में मुंहिंजा काफ़ी दोस्त वेठा आहिनि थिया ऐं हिकिड़ियूं बहितरीन ॻाल्हियूं थियूं आहिनि हिन डिबेट में असांजो मक़सदु इहो हुयो त असीं रिवायत खां हटी करे ई प्रोग्राम कयूं ऐं असां उन जे करे असीं इहा कोशिशि कई त जेके स्पीकर आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ा टॉपिक ॾियूं उन्हनि टॉपिक्स ते हू तयारी करे अचनि त जीअं तयारी करण सां हू रिलेट थी वेंदा पंहिंजे सब्जेक्ट सां जिते हू ॻाल्हाइणु चाहिनि था पर जेकॾहिं असीं इहो सोचियो पिए त सिर्फ़ु गदाई ते ॻाल्हाइणो आहे त पोइ रिपीटेशन थी वञे हा सो असीं इहो हिकिड़ो डिवाइड कयो उनखे नई रिवायत सां आंदो त स्पेसिफिक थियूं यानी कि दोस्तनि खे हिकिड़ा स्पेसिफिक टॉपिक ॾियूं उन्हनि ते दोस्त ॻाल्हाइण तयारी कनि ऐं हिकिड़ी इहा रीडिंग जो बि स्किल पैदा थींदो त दोस्त पढ़ंदा पढ़ी करे तयारी करे उन ते ईंदा उन ते ॻाल्हाईंदा ऐं असां कोशिशि कंदासीं त पंहिंजी नंढड़ी बजट में अहिड़ा प्रोग्राम कंदा रहूं ऐं जेकॾहिं होपफुली जेकॾहिं तव्हांजो अहिड़ो ताउन रहियो त उमेद त असीं अञा बि हिकिड़ा लिटररी ऐं क्रिएटिव प्रोग्राम जेको करे सघंदासीं ऐं हिकिड़ा इंस्टीट्यूशन्स ठाहिण में कामयाबु थी वेंदासीं आख़िरि में तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी ऐं आख़िरि में असांजो हिकिड़ो फ़ोटो सेशन थींदो ग्रुप फ़ोटो तव्हां सभिनी दोस्तनि जो उते हुजणु ज़रूरी आहे तव्हांजी वॾी महिरबानी सामिन ही प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणे खे पहुतो असांखे उमेदु आहे त अव्हांखे यकीननि गदाई साहिब जी कयल जदोजहद बाबति ॼाण हासिल थी हूंदी जाफ़र मेमण खे हैदराबाद मां इजाज़त ॾींदा ऐं ॿुधंदा रहंदा रेडियो वाई साहिब सिंध लंडन दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तिसादियात तारीख कौमी उमंगुन ऐं अख़लाकियात मुतालिक सिंध जी हक़ीक़ी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरन ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफ़ियुन उस्तादन वकीलन ऐं हर तबिके जे मान वारनि सजणनि खे सिंध में शौरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतन वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं।
एक नए सुबह की शुरुआत जो पड़ाडो घर घर गोठ गोठ शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद खुशहाल थिए सिंधी मानू सुखियो सतावो थिए।